पीट मार रहा है। पता नहीं क्या हो गया भाई, क्या एबीएस नहीं चल रहा यार किड, पबजी एबीएस के साथ। हाँ चल सबको बताते हैं एक बार, पूरी वीडियो बनाते हैं यार। ये देख कितनी लंबी स्किट लगी है, जस्ट नाउ में भी आते हुए ना एबीएस की लाइट ऑन हो गई। मैंने कहा यार वैसी हो गई होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा। साली का अगला एबीएस भी नहीं लग रहा, मैंने कहा चल पीछे का बंद हो गया होगा तो आगे वाला भी बंद हो गया। एबीएस की मोटर फूक गई, क्या हो गया क्या नहीं हो गया पता नहीं। छह सात दिन से तो किसी की किचन चलाई नहीं, बहुत दिन से खड़ी है यार ये तो। अब चलो एक बार ही देखते हैं जरा, तो मैं बताता हूँ पूरा सीन क्या हुआ था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। जस्ट अभी हम आरएस को लेके आ रहे थे, इसके ऊपर दो चार शॉट्स बनाते और 220 एफ आ रही है उसके साथ, इसके साथ एक कंपैरिजन करने का या ड्रैग रेस करने का स्टंट वगैरह कुछ ऐसी चीज़ करने का ना सोचा था, कंटेंट शूट करने का। तो जस्ट मैं बस अभी आ रहा था, देखो लो 220 एफ की बात ही करी, 220 एफ सामने से ही आ गई है देखो। तो ये वाली बाइक आ रही थी, इसके साथ हम इसकी वीडियो शूट करते, बट बाइक के आने से पहले ही पता नहीं इस बाइक को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एकदम से ना आरएस का जो एबीएस का सिंबल है, एबीएस की जो लाइट है ऑन हो गई। आपने देखा मैं भगाती हुई ला रहा था, देख रहे हो कितनी लंबी स्किट लगी है। वो तो सही हुआ कि मेरी एकदम से लाइट की तरफ नज़र चली गई, खैर तो टायर भी खत्म है इसलिए आधी स्किट मारने में कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी यार ये तो एक टेंशन वाली चीज़ हो गई है। एक काम करके देखते हैं, एक बार चाबी ऑफ करते हैं और चाबी करता हूँ मैं ऑन और फिर एक बार चला के देखता हूँ। खैर ये काम मैं एक बारी पहले करके देख चुका हूँ, चाबी ऑन ऑफ वाला, बट एबीएस ऑन नहीं हुआ था पहले भी। एक बारी फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। क्या चल रहा है इसके साथ? अरे भाई पता नहीं, अभी आते आते रास्ते में एबीएस बंद हो गए इसके दोनों। अरे अभी भी इसकी लाइट चली गई, देख 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 देख, अभी भी इसकी लाइट चली गई, अब शायद एबीएस काम करेगा। एक बार क्रॉस चेक करता हूँ फिर आगे बताता हूँ। अब मुझे समझ गया शायद एबीएस क्यों बंद हुआ होगा, समझ आ गया। अब नहीं लग रही ना, चेक देखिए तो चल अभी सडनली मैं हमारा क्या है अपनी आदत क्या, अपन बाइक चलाते हैं कुछ भी लाइट वाइट आती है सीधा देख लेते हैं कि हाँ भाई क्यों आ रही है क्या दिक्कत हो रही है, बट अगर किसी अननोन को दे दे वो इन लाइटों पर ध्यान ना दे, वो सोचे क्या पता ऐसी चलती हो। हाँ दिक्कत वाली बात है। हाँ एक बार पीछे बैठे, एक बार वहाँ चलते हैं जहाँ पे मैंने इसका वो बर्नआउट करा था, वहाँ पे चल के देख के आते हैं। भाई देखो ऐसा भी नहीं है कभी कोई सोचे हमने एबीएस की तार वार निकाली थी, वीडियो भी पूरी एक ही सिंगल बनाई है, वो भी अनकट होगी वीडियो। देखो ये थोड़ी ना है कि अब जी हम अपनी बाइक ख़राब दिखाएंगे सबको कि क्या नाम है हमारी बाइक ख़राब हो गई, या फिर मतलब हम खुद ख़राब करके ख़राब बताएंगे, ये कोई कॉन्टेंट वाली चीज़ भी नहीं है। देख यहाँ मैंने बर्नआउट करा था, ये ना मिट्टी थी इसके ऊपर घुमा के गया था। तो मारते रहते हैं, मैंने बस नया मिला के अपना पनीर को। अब की बार तो नहीं आई लाइट, फिर से करके देखूंगा। ये क्या हो रहा है यार, ऐसे ईवीएस ऑफ हो जाता है कभी जिंदगी में? ये प्रॉब्लम तो मैंने सुनी ही नहीं किसी के साथ कि बर्नआउट के बाद में ये ईवीएस ऑफ हो गए। देख अब बाइक बंद करी, देख पास में ला मीटर दिखा सबको, अब बाइक बंद है, एबीएस की लाइट अभी भी ऑन है, चाबी ऑफ चाबी ऑन, और अभी देखियो, अब देख मैं हल्की जाए करूँगा, 3 या 5 की स्पीड अचीव कर ले, देख लाइट ऑफ हो गई। ये क्या बवाल है, एक बार दोबारा बर्नआउट मार, दोबारा करके देखूँ। हाँ यार ये तो जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ मैं। अबे अगर कहीं पे कच्ची रोड पे चली जाए, खराब रोड पे, वहाँ पे ज़्यादा व्हील स्पिन हो, वहाँ तो इसका तो फिर ये कीचड़ में हो जाता है।
जैसे मान लिया हम खराब रोड पे ले गए, स्टंट परफॉर्म करने का मन है। अबे हमने और पहले भी बर्नआउट मारा है। ये बात भी सही कह रहा है, पहले भी करा ही है, कोई पहली पहली बार तो कर नहीं रहा है। या फिर सेफ्टी फीचर देख ऐसे ऐसे खराब रोड पे लेके जाओ, थ्रॉटल कर दो खूब सारा, एकदम से व्हील स्पिन हो, एबीएस ऑफ हो जाए, फिर स्टंट वगैरह परफॉर्म कर सको। तो यार हर बार थोड़ी ना हो रहा है, एक बार और कर, दो बार तो हो गया, एक बार और ट्राई करके देखो। अगर ये सेफ्टी फीचर होता ना तो कंपनी बता देती, ये भी हो सकता है। और कंपनी नहीं बताती तो छोटे से व्हील स्पिन में हो जाना चाहिए था स्टार्ट। और मगर ये हल्के व्हील स्पिन में जो हो रहा, जब थ्रॉटल ज्यादा करता हूं ना तब हो रहा है। एक बार ट्राई कर दोबारा, कम थ्रॉटल में नहीं हो रहा है। और जब मैंने फुल थ्रॉटल करा था तब हो गया था, और दो बार हो गई है जी। मैं एक बार और अटेम्प्ट करूंगा। क्या है ये, क्या स्लिप फिल्म है? यार अब तो नहीं हो रहा, क्या सीन है भाई? ये सेफ्टी फीचर भी नहीं है यार, सेफ्टी फीचर नहीं है। सेफ्टी फीचर होता तो इतने में हो जाता चालू। टेंशन वाली चीज हो गई यार, कोई आरएस ओनर को पता हो तो भाई जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताना यार ये बात। कभी जिंदगी में ये बीमारी नहीं सुनी मैंने तो। यार हम तो आर एम फाइव पे करते हैं, या तो पूरा एबीएस ऑफ होता है, ट्यूब पे करते हैं। और एक चीज और है, वायरिंग प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा भी नहीं, कोई सेंसर खराब नहीं है, वरना सेंसर की वार्निंग आती। क्या हो गया इसको, ये क्या कार वार में कोई कटिंग वेटिंग तो नहीं आ गई? एस प्रो बाइकिंग वाले भाई के पास चलेंगे, उन्हें दिखाएं। दिखाना तो पड़ेगा ब्रदर। फिलहाल तो देखो अब एबीएस चालू है, लाइट बंद हो गई यहाँ से, मतलब कि एबीएस चालू है। अब मैं स्कीड मार लूँ या कुछ भी कर लूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो पीछे दिखाइयो, टंकी के नीचे एबीएस की मोटर की भी आवाज़ आ जाती है। ये तो ठीक है, मगर यार मेन मेजर कंसर्न पता है क्या है बाबूजी, ये ऐसा हो क्यों रहा है? पता ही नहीं यार, ये तो टेंशन वाली बात हो गई। उनको खराब हो पूरा। चल मैं उनको भाई को ना फोन करता हूँ एक बारी, उनसे भाई से फोन करके एक बारी पता करें क्या क्या हो सकता है। कुछ ना कुछ तो हो गई इसका है? कुछ ना कुछ तो हो गई, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करा जाए इसका। एक बार लेके जाते किसी के पास। फ्यूज वगैरह भी नहीं उड़ा हुआ कोई, देखा अगर फ्यूज उड़ता ना वार्निंग आ जाती, यहाँ पे मीटर में आ जाती वार्निंग, आ जाती यार वार्निंग लाइट ऑन हो जाती। कोई लाइट ऑन नहीं हो रही हो स्टार्ट करके, सारी लाइटें बंद हो गई, एबीएस की चलते ही बंद हो जाएगी। और इंडिकेटर ऑन कर रखा है न्यूट्रल का, और ये तो रहती ही ऑन है बजाज के लोगों। चलो फिर इस वीडियो कर एंड करता हूँ गाइस। देखो पता नहीं जस्ट ऐसे आते हुए ना ये मजे में कहीं पर भी थ्रॉटल तो हम करते ही रहते हैं, फन करते रहते हैं बाइक के साथ, और ये हो गया इसके साथ। दिखाते हैं भाई इसको, बताना अगर किसी को पता हो तो है।